Hello friends, welcome to iExamD. So in this video we'll see important general awareness topics or MCQs for your upcoming NABARD DA mains examination. इसमें हम क्या करेंगे, नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे. आपको पता होगा इसमें सोर्सेस आपको क्या फॉलो करना है. अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो आप सिंपली बीपीडिया हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे डाउनलोड कर लो. आप जुलाई ऑनवर्ड्स मंथली फाइल्स बीपीडिया का फॉलो कर लो एंड यू नीड टू डू पीआईबी फॉर द सेम मंथ पीरियड. तो इतने में से एटलीस्ट आपका अच्छा खासा बैकग्राउंड बन जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको बैंकिंग के जो स्टैटिक है उसे भी कवर करना होगा. तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट आवर सेशन, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस एमसीक्यूज देखेंगे और उससे आपको पता लग जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कैसे चूज करना है फॉर दिस एग्जाम. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. अगर कोई भी क्वेरीज है hello@examd.com पे आप हमें मेल कर सकते हो. तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, विच सिटी हैज होस्टेड द 3-डे सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कैंसो एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस. आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई टू आंसर. एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ. ठीक है, तो ये आपको पूछ रहा है कि जो 3-डे सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस हुआ था किस सिटी में हुआ था. पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई टू आंसर. यस, द आंसर हियर इज गोवा. हियर इज द सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविजन ऑफ एयर नेविगेशन सर्विसेज ओवर द इंडियन कॉन्टिनेंटल एयर स्पेस एंड एडजॉइनिंग ओशनिक एयर स्पेस डेलीगेटेड टू इंडिया बाई ICAO. तो ICAO ने किस ऑर्गेनाइजेशन को डेलीगेट किया है कि एयर नेविगेशन सर्विसेज वो कंट्रोल करेंगे इंडियन कॉन्टिनेंटल स्पेस के ऊपर एंड ओशनिक एयर स्पेस के ऊपर. पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. यस, इट इज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोवा इज होस्टिंग सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज कैंसो एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस. तो यहाँ पे जो कि हुआ है 1st to 3rd November तक. ठीक है, ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट एवर फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस का नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहता है इफ यू टॉक अबाउट द ओवरऑल जीए पार्ट से. तो आपको बताना है कि इंडिया का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप कौन से बैंक ने लॉन्च किया है. यस, द आंसर हियर इज इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक. ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप था. तो इसी के ऊपर और एक क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का इक्विटी इंडियन गवर्नमेंट के पास कितने परसेंटेज है. व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सिक्योरिटी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Please pause the video and then answer. Yes, it is 100% owned by the government of India, the central government. ठीक है? तो यहाँ पे you can see Indian Post Payment Bank conducts first floating financial literacy camp and निवेशक दीदी initiative भी launch हुआ and by the women for the women. ठीक है? तो ये कहाँ पे हुआ है? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है. तो ये floating financial literacy camp दाल लेक में हुआ है. तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि फिनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा एरिया है जिसपे बोथ नबार्ड एंड आरबीआई काम भी करते हैं, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्सो आप देख सकते हो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एस्टेब्लिश अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विथ 100% इक्विटी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman ji approves final sovereign green bond framework of India. To ye jo green bond framework hoga, this approval will further strengthen India's commitment towards its NDC targets. Ye kya puch raha hai aapko? NDC targets jo India ne adopt kiya tha Paris Agreement mein. What does the C stand for this NDC targets? To aapko pata hoga abhi recently humne green bond ka framework release kiya. तो ये जो ग्रीन बॉन्ड है वो इंडिया को अपनी एनडीसी टारगेट अचीव करने में हेल्प करेगा.
you need to tell ki what does the C stand for NTC. Please pause the video and then try to answer. Yes, this stands for contribution. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स. ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट में क्या होता, हर एक कंट्री को अपना अपना अलग अलग टारगेट दिया गया था कि ग्रीन हाउस गैसेस के रिलेटेड वो कितना ऑफसेट करेंगे. तो यही जो अलग अलग टारगेट्स हैं उसे नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन कहा जाता है. ठीक है, तो इसमें जो आपका सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क है, ये गवर्नमेंट होप करता है कि ये जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं ये इंडिया का जो एनडीसी अचीव करने में ज्यादा हेल्प करेगा. ठीक है, ओके, लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज एंड द सिटीजन परसेप्शन सर्वे आर डन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज. ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज एंड सिटीजन परसेप्शन सर्वे कौन सी मिनिस्ट्री करता है. प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. Yes, it is by the Ministry of Housing Urban Affairs. यहाँ पे थोड़ा सा confusion हो सकता है आपको कि सबको लगेगा transport है तो ये road and transport and highways हो सकता है. No, आपका सही answer है Ministry of Housing and Urban Affairs. Another question, which of the following institutions are engaged in the citizen perception survey? हमने देखा citizen perception survey and transport for all challenge, Ministry of Housing and Urban Affairs. तो ये जो survey है citizen perception survey, तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे कंडक्ट करता है. प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. यस, द आंसर हियर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. सो दीज आर द टू ऑर्गेनाइजेशन जो मिलके आपका सिटीजन परसेप्शन सर्वे कंडक्ट करते हैं. आप यहां पे देख सकते हो ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज तीन स्टेजेस में क्या जाएगा, क्या क्या स्टेजेस है. ये ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज है क्या बेसिकली, तो ये क्या है, एम्स एट एनहांसिंग द मोबिलिटी एक्सपीरियंस ऑफ सिटीजन. जो सिटीज में मोबिलिटी एक्सपीरियंस ओवरऑल उसे चेंज करना है हमें. तो ये तीन स्टेजेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा. स्टेज वन क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सिटीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. स्टेज टू है सोल्यूशन जनरेशन, तो इसमें आप देखो एनजीओ के साथ मिलकर क्या क्या सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं. फिर पायलट टेस्टिंग होगा. तो ये तीन स्टेजेस में ये इंप्लीमेंट किया जाएगा. In the same way, Citizen Perception Survey 2022, it is a part of Ease of Living Assessment. Ease of Living Assessment करता है कौन? Ministry of Housing and Urban Affairs. उसका एक part है Citizen Perception Survey. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो Citizen Perception Survey है वो 30% weightage रखता है Ease of Living Index में. तो ये हो गया आपका Transport for All Challenges and Citizen Perception Survey. ठीक है? Coming to the next question. नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड इज सिचुएटेड एट विच प्लेस. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी था एंड समथिंग रिलेटेड टू आपका एग्री पार्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो इस पे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. यस, इट इज इन हैदराबाद. ठीक है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड इज इन हैदराबाद. यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड मिला इसे. इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड किसको, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड को. तो जो NFDB है दैट इज इन हैदराबाद. ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9. इंडियन रेलवे का कौन सा रेलवे स्टेशन को 4-star ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है. सो व्हिच इंडियन रेलवे स्टेशन हैज बीन अवार्डेड विद 4-star रेटिंग By the Eat Right Station Certification. क्यों मिलता है ये? For providing high quality nutritious food to passengers. Please pause the video and then answer. Yes, the answer here is Bhopal Railway Station. ठीक है, इंडिया का जो भोपाल रेलवे स्टेशन है इंडियन रेलवे का, तो उसे 4-star Eat Right Station Certification मिला है. And next question, the Eat Right Station Certification is awarded by which of the following to railway station that set benchmarks in providing safe and wholesome food to passengers. तो Eat Right Certification कौन देता है? Basically पूछा जा रहा है कि कौन इसे award करता है. Please watch the video and then answer. Yes, the answer here is FSSAI. ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो भोपाल रेलवे स्टेशन अवार्डेड विथ ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन विथ 4-star रेटिंग. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज डन बाई FSSAI. ठीक है, तो यहाँ पे द आंसर इज भोपाल
रेलवे स्टेशन, और इसे कौन देता है? FSSI। ये जो स्टार रेटिंग्स है, ये स्टार रेटिंग 1 to 5 से है, एंड 5 स्टार रेटिंग किसी को नहीं मिला है, 4 स्टार इसको मिला है आपका भोपाल रेलवे स्टेशन को। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेन्यू ऑफ द 53rd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज वेयर। ये 53rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां पे हुआ? वेरी इजी एंड बेसिक क्वेश्चन, प्लीज वॉच द वीडियो एंड देन आंसर। यस, इट इज इन गोवा। ठीक है, ये जो 53rd एडिशन ऑफ इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ, दिस हैपेंड इन गोवा। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन सॉरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 53rd एडिशन, ये हुआ गोवा में। तो यहाँ पे धबारी कुरुबी एक मूवी है जो वहां पे शोकेस किया गया, जो कि जिसमें सारा कास्ट जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सब ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये आपको बताना है कि इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च द ऑपरेशन ऑफ थीम बेस्ड व्हिच ट्रेन, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? शो केस इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज, मैग्निफिसेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। कौन सी ट्रेन है इसमें से जो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस को शो करता है? प्लीज वॉच द वीडियो एंड देन आंसर। यस, इट इज भारत गौरव ट्रेन। ठीक है, भारत गौरव ट्रेन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इंडिया का रिच कल्चरल हेरिटेज शो करता है, एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस जहां जहां पे है उसी के थ्रू इसका प्लान बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वंदे भारत एक्सप्रेस था, भारत गौरव ट्रेन था, ये दोनों को बेंगलुरु के एस आर रेलवे स्टेशन से फ्लैग ऑफ किया पीएम मोदी ने। तो यहाँ पे यू कैन सी वंदे भारत एक्सप्रेस का ऑल दोज डिटेल्स, क्या क्या डिटेल्स है इसमें। ठीक है, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द एम टू फर्दर स्ट्रेंथन द रोल ऑफ इनलैंड वाटरवेज, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट 2002 हैपेंड वेयर? ठीक है, एंड ये इवेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया? इट इज बेसिकली आस्किंग पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट 2022 कहां पे हुआ, एंड इसे कौन ऑर्गेनाइज किया है? प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। यस, इट हैपेंड इन वाराणसी, एंड IWAI इसे ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, तो इसने कंडक्ट किया पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट 2022 वाराणसी में। दिस इज अ 2 डे इवेंट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व्ड इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन? तो इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन में इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड हैं? प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। यस, यहाँ पे नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व्ड इन दिस इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंडिया ने लॉन्च किया इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन एट COP27 जो शर्म एल शेख में हुआ है। इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन क्या है बेसिकली? ये एनकरेज करेगा यूथ को जो 18 से 23 एज में है टू अडॉप्ट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। ये हो गया आपका इन आवर लाइफ टाइम। ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज ऑर्गेनाइज स्वच्छता रन अक्रॉस रूरल इंडिया टू मार्क द वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑन 19 नवंबर? वर्ल्ड टॉयलेट डे जो हुआ है 19 नवंबर में, तो उसमें स्वच्छता रन कैंपेन किया गया था, तो ये कौन सी डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किया था? बेसिकली बहुत इजी है, आप गेस कर सकते हो स्वच्छता के ऊपर कौन सी डिपार्टमेंट इस पे काम करता है। यस, इट इज डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, तो इसने किया है आपका वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो यहाँ पे देख सकते हो स्वच्छता रन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस रूरल इंडिया, तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, ये आपको पता होगा ये स्वच्छ भारत मिशन को भी इंप्लीमेंट करता है, दिस डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स पोजिशन बाई व्हाट स्लॉट्स एंड इज नाउ प्लेस्ड एट वेयर
एज पर द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया ने, इंडिया का रैंक क्या है एंड कितने रैंक में इंप्रूव हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स. प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. यस, इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स पोजीशन बाय 6 स्लॉट्स एंड रैंक क्या है 61st. ठीक है, 6 एंड 61 ये दोनों है इंडिया का इंप्रूवमेंट एंड इंडिया का ओवरऑल रैंक. Here is the next question. Which of the following organizations has released the recent Network Readiness Index 2022? So, ये जो Network Readiness Index है, इसको किसने release किया है? Please pause the video and then answer. Yes, the answer here is Portland's Institute. Portland's Institute ने ये Network Readiness Index को release किया. So, यहाँ पे you can see the report by Portland Institute based out of Washington DC Network Readiness Index 2022. India का rank क्या है 61st. ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ भी details दिया गया है India का, उसमें उसके अंदर और बहुत कुछ parameters रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो AI talent concentration में India का rank first है, second rank in mobile broadband internet traffic. ये इतने important नहीं है, सारा याद रखना, बस याद रख लेना Portland Institute ने इसे पब्लिश किया है एंड इंडिया करेंगे 61st. तो ये था सारा क्वेश्चंस. आई होप इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सही हुए होंगे. प्लीज कमेंट में बताना मत भूलना कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ. एंड अगर आप नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का मेंस का क्रैश कोर्स लेने चाह रहे हो, यू कैन गेट फ्लैट 75% ऑफ बाय यूजिंग दिस कोड. आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा. अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल. अगर कोई भी क्वेरीज है hello@iexambi.com पे आप मेल कर सकते हो और else iexambi.com आप विजिट करके हमारे कोर्सेज के बारे में ज्यादा जान सकते हो, नहीं तो हमारे जो करंट अफेयर्स मैगजीन है बीपीडिया जो कि आपको डेली 3 फॉर्मेट में मिलता है, डेली फॉर्मेट में, वीकली एंड मंथली, तीनों फॉर्मेट में आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी. ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सो मच.